हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हूँ सारे फ्रेंड्स स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 11:15 का टाइम है फ्रेंड्स। और आज मौसम ने ना फिर से करवट बदल ली, ठंड जो है फिर से शुरू हो गई है। कल शाम से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो ही जा रही है। रात पूरी रात को बारिश हो रही थी, अभी भी हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और ये देखो जो कपड़े संभाल लिए थे ना, थोड़ा थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो गई थी तो गर्म कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। तो आज फिर से अपनी स्वेटर वगैरह निकाल ली। अभी जा रही हूँ मैं पीहू को लेने और बाहर बारिश है। ये देखिए दोस्तों, बाहर बारिश हो रही थी और आज ना ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है और कल शाम से ही बारिश हो रही है, पूरा दिन जो है आज बारिश। तो दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं पीहू को स्कूल से लेके और बारिश हो ही रही है अभी हल्की फुल्की। तो ठंड ना सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैंने आते ही इसे अपने सिर पे रख लिया। ठंड से ना मेरे सिर में दर्द होता है और आदत हो गई है इसको रखने की। तो पीहू अभी अपने कपड़े चेंज कर रही है और फिर देखती हूँ, उसका पेपर चेक करती हूँ उसने कुछ लिखा कि नहीं। कल जब बारिश हुई थी ना पूरी रात यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट तब आई जब हम सो गए थे। तो बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं कि तब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, दिन भर वो उसकी कल छुट्टी थी उसने पढ़ाई नहीं की। नाइट को मैंने इसको पढ़ाना था लेकिन लाइट थी ही नहीं, तो बेचारी ने आज क्या ही लिखा होगा जब लाइट ही नहीं थी, कुछ भी नहीं लिखा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा। तो इसका पेपर चेक करती हूँ, पहले वो कपड़े चेंज कर ले। तो मैंने इसको साफ कर लिया है, अब इसको एक दो पानी से धो लेती हूँ, उसके बाद अभी नहीं दूंगी, एकदम ठंडे हैं ना ये फ्रिज के रखे हुए। जब तक इनका पेपर चेक करूँगी मैं तब तक वो थोड़ा मतलब इतने ठंडे नहीं रहेंगे। पीहू के लिए स्कूल के लिए दिया था उसने जो है ग्रेप्स ग्रेप्स खाई, स्ट्रॉबेरी छोड़ दी। ये देखिए कितनी सारी मलाई है इस नारियल के अंदर, आहा बहुत अच्छी लगती है ना खाने में। देखो और अभी इसमें और है लेकिन इस चाकू से निकाल नहीं पा रहे हम। देखो अरे वाह, अभी और है इसके अंदर लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं, निकालेंगे इसको भी। और गाइज ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है नाइट के टाइम की। तो कुछ मतलब सिर दर्द हो रहा था मेरा, कुछ मन भी नहीं कर रहा था बनाने का। ये है शायद ट्यूजडे के दिन की और आज है सैटरडे, तो ट्यूजडे या वेडनेसडे की होगी ये। तो मैंने क्या बना रही थी बच्चों के लिए, ये मीठा वाला चीला। मैंने आटा घोल दिया, उसमें चीनी का बूरा डाला, सौंफ डाली थोड़ी सी और इलायची पाउडर। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी यम्मी चीले बने थे, तो बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। पीहू को, गौरव को, इनको तो मीठा इतना पसंद है, प्राप्ति को इतना मीठा पसंद नहीं है। तो मैंने चीले बनाए थे, बस इसको साफ करके और वॉश करके अभी नहीं खाना, मैंने रखे थे इसको फ्रिज में। ठंडे हैं जो खांसी हो रही, जुकाम हो रहा, तो फ्रिज की रखी हुई चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी। इनको वॉश करके मैं बाहर रख लेती हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका शेक बनाना, मिल्क एक गिलास भी नहीं। इसने खा लिया एक, उसको पहले जुकाम हो रहा। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:45 बजे का, मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। मेरी प्राप्ति गई है ट्यूशन और गौरव चले गया है दूध लेने, और मेरी प्यारी प्यारी जो है सबसे क्यूटी पीहू रानी जो है सो रही है। पीहू पीहू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कन, उठ जाओ। उठो रिधि, उसने कम्बल फाड़ दिया, उठो उठो उठो। ये लड़की है तो सोती नहीं है, दिन में अगर सो गई ना तो इसको उठाना मुश्किल होता है, फिर पूरी रात परेशान करती है, ना तो खुद सोती ना तो दूसरों को सोने देती है, फिर परेशान करती, नींद नहीं आ रही। उठ जाओ जल्दी, मैं जा रही हूँ, उठो। तो मेरी बंदी है चाय। मैं सुबह से कपड़े धुले हुए रखे हुए थे, कल से तो मैंने भिगो के रखे थे सर्ग में, फिर कल धोने का टाइम लगा, फिर सुबह मैंने उनको खंगाला, फिर धो के रखे, फिर बारिश ही हो रही थी ना पूरे दिन भर। तो अभी मैं लेटी हुई थी, उठा है, मैंने सोचा बारिश रुक गई, थोड़ा हवा तो लगेगी कपड़ों पे, तो मैं ऊपर छत में उनको टांग के आई, लेकिन अब मुझे लग रहा कि फिर जोरों की बारिश आने वाली है। तो चाय
गई होगी, देखती हूँ। देखिए मेरी चाय चाय उबल गई, छन्नी कहाँ होगी, छन्नी भी मेरी टूट गई है। पी लेती हूँ उस पे। सुबह मैंने अपने लिए एक कप ऐसी चाय बनाई थी, सुबह नहीं कल शाम को, तो इसके पापा बोल रहे थे इतने मरना है कि इतनी चाय पीती है कप भर भर के। वो तो वैसे पीते नहीं हैं, पर लेकिन कभी कभी मैं दे लेती हूँ उनको थोड़ा सा, कि अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता, तो फिर भी बोलते हैं मुझे थोड़ा सा दो दो घूट चाय। मेरे को बोलते हैं क्या कप भर भर के चाय पीती है, उठ जा पियू। तो चाय पी लेती हूँ एक बार, थोड़ा उधर अपने नए घर में देख के आ जाती हूँ। वैसे आज लेबर तो नहीं आई थी, पर ऐसे ही क्राउन लगा के आती हूँ। उससे पहले आज की ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ। ब्लॉग ज़रा पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।